आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक स्कॉलरशिप, इंटर स्कॉलरशिप, ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के बारे में। अगर ये स्कॉलरशिप आपका रिजेक्ट होता है, डीओवी मिसमैच होता है, कैटेगरी मिसमैच होता है, नाम मिसमैच होता है या पीएमएस रिजेक्ट होता है, इन सभी का प्रॉब्लम का कारण बताएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन बताएंगे। अगर मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप आप अप्लाई किए थे, यानी कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन प्रोत्साहन राशि मिलता है, उस राशि को अप्लाई के लिए अगर आपने आवेदन किया था, आपका नाम मिसमैच, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड, डीओबी मिसमैच, मार्क मिसमैच या आपका डिवीजन मिसमैच या कैटेगरी मिसमैच को किसी भी तरह का मिसमैच हो या आपका पेमेंट पीएमएस रिजेक्ट हो, तो ये क्यों होता है और इनका क्या सॉल्यूशन है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे अपना नाम मिसमैच, डीओबी मिसमैच, पीएमएस रिजेक्ट को किस तरह आप ठीक कर पाएंगे और अपना प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप 100% आप ले सकते हैं। कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हाय गाइस, मैं हूं जिसान आरिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिसान मॉनिटर। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और पूरी चीज विस्तार से जानते हैं किस तरह इनका क्या सॉल्यूशन है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप jisanmonitor.in को भी विजिट करते रहिएगा, यहाँ भी आपको jisanmonitor.in की वेबसाइट पे आपको पोस्ट के माध्यम से सारी डिटेल दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक का अप्लाई करने के लिए मैट्रिक की वेबसाइट पे जाना होता है, इंटर का अप्लाई करने के लिए इंटर का वेबसाइट पे, और ग्रेजुएशन का अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन का वेबसाइट पे जाना होगा। सभी की वेबसाइट अलग अलग है, आप एक ही वेबसाइट से सभी वेबसाइट पे जा सकते। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो medasoft.bih.nic.in की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप इस लिंक से मैट्रिक के द्वारा मैट्रिक का स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, 22, 21, 20, 19 का। इसी तरह इंटर कर सकते हैं, इंटर का मेधावी साथ का कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का करना है तो ग्रेजुएशन का नीचे आपको दिया गया है, तो मैट्रिक का है, इंटर का है, जिसका भी आपने आपने किया था तो उसमें आपने अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया था, लेकिन आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया, डीओबी मिसमैच हो गया, नाम मिसमैच हो गया है या पीएमएस रिजेक्ट हो गया है, हम एक एक करके आपको पूरी बारीकी से बताएंगे। ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन वाला अगर रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, तो आप भी वो देख पाएंगे, उसकी भी सुधार कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैट्रिक इंटर का स्कॉलरशिप है जिसमें डीओबी मिसमैच है या मार्क मिसमैच है, कैटेगरी मिसमैच है, पीएमएस रिजेक्ट है, इंटर मैट्रिक का जो प्रक्रिया है वो हम पहले आपको बता देते हैं। अगर इंटर मैट्रिक की प्रक्रिया अगर आपका है डीओबी मिसमैच है, नाम मिसमैच है, कैटेगरी मिसमैच है, तो इसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये सुधार आप खुद से नहीं कर सकते, बहुत लंबा प्रक्रिया होता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आप जो डीओबी मिसमैच है, कैटेगरी मिसमैच है, ये आप खुद से नहीं कर सकते। तो खुद से नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। डीओबी मिसमैच या कोई भी मिसमैच है, इंटर मैट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डीओबी मिसमैच, नाम मिसमैच, कैटेगरी मिसमैच, डिवीजन मिसमैच है, तो ये आप खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे हमारी टीम से ही संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आप अपना स्टेटस भेजेंगे, अपना स्टेटस शेयर करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो वहां से आपका जो प्रॉब्लम है डीओबी मिसमैच या किसी प्रॉब्लम को वहां से ठीक कर दिया जाएगा। फिर आप इसी वेबसाइट पे आके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। खुद से नहीं कर पाएंगे, आप हमारी टीम के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का मिसमैच है मैट्रिक इंटर में, तो आपको हमारी टीम से संपर्क करना होगा, टीम आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क करना होगा, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां फॉलो भी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां पे अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन शेयर करके वहां से सोल्यूशन करवा सकते हैं। ये पहली होगी मैट्रिक इंटर का हो गया। ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का सबसे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे, ग्रेजुएशन की वेबसाइट पे आएंगे, स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डाल के सर्च करेंगे,
फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा केस मैं देख लेता हूँ। ये स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, हमने इसका इसका रिजेक्ट हो गया था, तो हमारी टीम द्वारा इसका जो सॉल्यूशन किया गया है, तो फाइनल सबमिट इनका कर दिया गया, अकाउंट आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, अकाउंट वेरिफिकेशन में भेज दिया गया, इनका पहले रिजेक्ट हो गया था। अब रिजेक्ट हो गया था वो भी हम दिखाते हैं, पहले रिजेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, नीचे स्क्रॉल करेंगे। इनका देखिए पहले रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्ट कहाँ से हुआ था, हेडक्वार्टर से हुआ था। रिजेक्ट रीजन क्या दिया गया था, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नॉट अपलोड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं किया था, करेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन लॉगिन करने के बाद नहीं दिया जा रहा था, तो हमारी टीम से संपर्क किया गया, हमारी टीम इसका सॉल्यूशन कर दिया और फिर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस में चले गया है न्यू सर्टिफिकेट अपलोड करके। इसी तरह जो भी रिजेक्ट होता है वो रिजेक्ट एप्लीकेशन को सही कर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। ये पहला केस, अब दूसरी केस हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरे स्टूडेंट का केस है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इसका रिजेक्ट किया गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट अप्लीकेबल दिस योजना, यानी कह रहा जब आपका रिजल्ट आया था उस समय ये योजना प्रोत्साहन राशि वाला नहीं चल रहा था, इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। बल्कि इसका सही जो है, इसका जो रिजल्ट है 18 अप्रैल 2000, इसका रिजल्ट 25 अप्रैल 2018 के बाद आया है और प्रोत्साहन राशि का नोटिफिकेशन जो उसमें बताया गया है कि 25 अप्रैल 2018 के बाद ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया 25 अप्रैल 2018 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन पास किए तब अभी इस राशि के लिए, इस प्रोत्साहन राशि के लिए एलिजिबल है, लेकिन 2018 के बाद इसका रिजल्ट आया है फिर भी इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट में कारण आप देख सकते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस योजना, यानी कि आपका जब रिजल्ट आया उस समय ये योजना नहीं था, ये कहकर इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर से इसको अप्लाई करने का, ठीक करने का कोई भी ऑप्शन लॉगिन करने के बाद नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे केस का भी सोल्यूशन आप हमारी टीम के द्वारा करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट आप इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी कारण से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप करवा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इसका जो है सारा चीज सही था, फिर भी मिस्टेक से रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट किया गया उसके बाद भी आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, बस आपको कांटेक्ट करना होगा। डिस्कशन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहां पे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका ग्रेजुएशन में किसी भी कारण से रिजेक्ट हो, अगर वो कारण सही है तब आपका आवेदन जो है सक्सेसफुली करेक्शन हो जाएगा, सक्सेसफुली सही करके हमारी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। इसी तरह मैट्रिक हो या इंटर हो, कोई भी स्कॉलरशिप का सॉल्यूशन आपको हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। अब देखिए मैट्रिक इंटर का तो मैं बता दिया, अगर किसी भी तरह से मिसमैच है, डीओबी नेम मिसमैच, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, खुद से नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ खुद से नहीं कर सकते, टीम से कांटेक्ट कीजिए, टीम आपको करके देगी हमारी टीम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपका पेमेंट में चले गया था एप्लीकेशन, वहाँ पे आपका पीएमएस रिजेक्ट हो गया, पीएमएस रिजेक्ट हो गया, यानी कि पेमेंट में गया आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो मैं आपको बता दूं, अब जो गवर्नमेंट की नियम है, गवर्नमेंट की रूल है कि अब अकाउंट नंबर के माध्यम से, बैंक खाते के माध्यम से आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। पेमेंट किसके माध्यम से, पेमेंट आपके आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। आपके आधार कार्ड जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है तब आपको पेमेंट आ जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तब आपका एप्लीकेशन पीएमएस रिजेक्ट कर देता है। तो पीएमएस रिजेक्ट करने का मेन कारण है कि आपके खाता में आपका आधार लिंक नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करा लीजिए। जैसे आप आधार लिंक कराएंगे कुछ दिन वेट कीजिए, अपने खाता को आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद री वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट, खुद से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा। तो पीएमएस रिजेक्ट का मेन कारण है कि आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं था, जिसकी वजह से पीएमएस रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपने बैंक अकाउंट में अपना आधार लिंक करा लीजिए, डीबीटी लिंक करवा लीजिए, उसके बाद कुछ दिन वेट कीजिए, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो भी ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते। तो बात यहाँ पर पूरी क्लियर बात ये हुई कि अगर आपको मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है, खुद से आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपका सोल्यूशन करके देगी।
हमारी टीम से संपर्क करने का आपको डिस्कशन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उस इंस्टाग्राम पे लिंक पे क्लिक करके आप उनसे जुड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको आपकी पूरी सॉल्यूशन पूरी सुविधा मतलब आपको पूरी हेल्प की जाएगी हमारी टीम के द्वारा। उम्मीद करते हैं आज के छोटा सा वीडियो में आपने सीखा होगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह कर पाएंगे, पूरी इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन के स्कॉलरशिप का सॉल्यूशन किस तरह आप कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप का अंतिम डेट है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप का अंतिम डेट 15 अगस्त 2023 तक अभी दिया गया, अभी तक फिलहाल है, ये डेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो अगर आप अभी जो क्या करना है आपको, अगर अभी आपको अप्लाई नहीं करना है तो कम से कम आप पंजीकरण कर लेंगे, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड बन जाने के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट 15 अगस्त है, ये बढ़ सकती है भविष्य में, और अगर आप करना चाहते तो कम से कम पंजीकरण अभी कर लीजिए, बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो अंतिम डेट से पहले ही अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। और इसकी जो नोटिफिकेशन है ग्रेजुएशन की कब कब से पास वाले को मिलेगा, यहाँ पे विज्ञापन की प्रति आपको मिलेगी साइट पे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा ग्रेजुएशन के रिलेटेड। यहाँ पे इस ग्रेजुएशन में बताया गया है 25/4/2018 के बाद आपका स्नातक हो या स्नातक होना चाहिए, या आपका जो उर्दू लाइन से अगर आपका डिग्री है तो वो भी आप मान है, यानी कि अगर आप हिंदी लाइन से जो स्नातक ग्रेजुएशन किए हैं तब आपको ये योजना के लिए एलिजिबल है, उर्दू लाइन से अगर अपने आलिम किए हैं लेडीज है गर्ल्स है तो उसको ये योजना मिलेगा। तो 25 अप्रैल 2018 के बाद ये पासिंग होना चाहिए, 25 अप्रैल 2000 बाद अगर आप पास किए हैं तब आपको जो मिलेगा 25,000 का प्रोत्साहन राशि ग्रेजुएशन को, और उर्दू लाइन से जो आलिम की है उसको 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में आपका रिजल्ट आया है तब आपको 25,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक में आपका रिजल्ट आया है तब आपको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा ग्रेजुएशन में सिर्फ गर्ल्स के लिए। अगर 31 मार्च 2021 के बाद आपका रिजल्ट आया है तब आपको जो है 50,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। 50,000 का स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको हमारे जिसान मॉनिटर की वेबसाइट पे जाना है, jisanmonitor.in की वेबसाइट पे जाना है और नीचे आएंगे ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 50,000, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पोस्ट में आपको ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के माध्यम पूरी डिटेल दी जाएगी, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 का स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए न्यू साइट है, आप न्यू साइट से यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया था, आपको इस वेबसाइट से आवेदन करना है जहाँ 25,000 मिलेंगे। 31 मार्च 2021 के बाद आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया है तो आपको इस वेबसाइट से करना है जहाँ आपको 50,000 मिलेंगे। तो ये आप 50,000 का अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, इस पोस्ट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उम्मीद करेंगे आज के छोटे से वीडियो में आपने सॉल्यूशन के बारे में जाना होगा, सॉल्यूशन आप किस तरह अपने प्रॉब्लम का करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।